नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नॉवल्स, स्टोरीज, कॉमिक्स, ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी हैरी पॉटर सीरीज की पहली किताब के पांचवें अध्याय को, जिसका नाम है छूमंतर गली। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा कि हैग्रिड ने हैरी को सब कुछ बता दिया कि वह एक जादूगर था और उसके माता पिता भी एक जादूगर थे, और वह हॉगवर्ट्स में पढ़ने जा रहा था जहाँ पर उसके माता पिता ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगली सुबह हैरी जल्दी जाग गया। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि सुबह हो चुकी है, फिर भी उसने अपनी आँख नहीं खोली। मैं एक सपना देख रहा था, उसने अपने मन में सोचा। उसने अपने आप को समझाते हुए कहा, मैंने सपने में देखा कि हैग्रिड नाम का एक भीमकाय आदमी आया और उसने मुझे बताया कि मैं जादूगरों के स्कूल में पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपनी आँख खोलूँगा तो खुद को घर की अलमारी में पाऊँगा। तभी अचानक एक तेज़ आवाज़ हुई, जैसे कोई खटखटा रहा हो, और यह पेटूनिया आंटी दरवाज़ा खटखटा रही है, हैरी ने सोचा। हालांकि उसका दिल डूब रहा था, परंतु उसने अब भी आँख नहीं खोली। कितना अच्छा सपना था। ठक ठक ठक, ठीक है, हैरी बड़बड़ाया, उठता हूँ। वह उठकर बैठ गया और हैग्रिड का भारी कोट उसके ऊपर से गिर गया। झोपड़ी सूरज की रोशनी से भरी हुई थी, तूफान खत्म हो चुका था। सोफे पर हैग्रिड सो रहा था और एक उल्लू अपने पंजे से खिड़की पर ठक ठक कर रहा था, जिसकी चोंच में एक अखबार दबा था। हैरी हाथों के बल उठकर खड़ा हुआ। वह इतना खुश था मानो उसके अंदर कोई बड़ा गुब्बारा फूल रहा हो। वह सीधा खिड़की तक गया और उसे झटके से खोल दिया। उल्लू झपट कर अंदर आया और उसने हैग्रिड के ऊपर अखबार गिरा दिया, परंतु हैग्रिड नहीं जागा। उल्लू फर्श पर मंडराने लगा और हैग्रिड के कोट पर हमला करने लगा। ऐसा मत करो, हैरी ने उल्लू को वहां से भगाने की कोशिश की, परंतु उल्लू ने उस पर तेजी से अपनी चोंच मारी और एक बार फिर से कोट पर मारने लगा। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, एक उल्लू है, उसे पैसे दे दो। हैग्रिड सोफे पर पड़े पड़े ही गुरगुराया। क्या? वह अखबार पहुंचाने वाला है, उसे पैसे दे दो। जेब में देखो। हैग्रिड के कोट में जैसे जेबों के सिवाय और कुछ था ही नहीं। चाबियों के गुच्छे, घोंगे के गोले, धागे की गट्टियां, पेपरमेंट कैंडी, टी बैग्स। आखिरकार हैरी ने मुट्ठी पर अजीब दिखने वाले सिक्के बाहर निकाले। उसे 5 नट दे दो, हैग्रिड ने नींद भरी आवाज में कहा। नट? कांसे के छोटे सिक्के। हैरी ने कांसे के 5 छोटे सिक्के गिने और उल्लू ने अपना पैर बाहर कर दिया ताकि हैरी उन सिक्कों को छोटी सी चमड़े की थैली में रख सके जो उसके पैर में बंधी थी। फिर उल्लू खुली खिड़की से बाहर उड़ गया। हैग्रिड तेज आवाज में जम्हाई लेते हुए खड़ा हुआ और अंगड़ाई लेने लगा। बेहतर होगा कि हम जल्दी चलते हैं हैरी, आज बहुत काम करना है। लंदन जाना है और तुम्हारे स्कूल का सब सामान खरीदना है। हैरी जादूगरों के सिक्कों को उलट पुलट रहा था और जब उन्हें ध्यान से देख रहा था तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जिसने उसके अंदर की खुशी के गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी। अरे हैग्रिड, क्या? अपनी भारी भरकम जूते पहनते हुए हैग्रिड बोला। मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और आपने मॉर्निंग अंकल की बात तो रात को सुन ही ली थी। वे मुझे हॉगवर्ट जाने और जादू सीखने के लिए एक पैसा भी नहीं देंगे। उसकी चिंता मत करो, हैग्रिड ने खड़े होकर अपना सिर खुजाते हुए कहा। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे मम्मी डैडी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए होंगे? परंतु उनका घर तो तबाह हो गया था। वे अपना सोना घर में नहीं रखते थे बेटे। नहीं, हम सबसे पहले ग्रीन वॉट चलेंगे, जादूगरों का बैंक। एक कबाब खाओ, ठंडा होने के बावजूद ये उतने बुरे नहीं हैं, और हम तुम्हारे बर्थडे केक के टुकड़े के लिए भी मना नहीं करेंगे। जादूगरों के भी बैंक होते हैं? सिर्फ एक ही है, ग्रीन वॉट, इसे पिशाच चलाते हैं। हैरी जिस कबाब के टुकड़े को पकड़े था वह उसके हाथ से छूट गया। पिशाच? हाँ, और हम तुम्हें बता देते हैं कि इसे लूटने की कोशिश करने वाला कोई पागल ही होगा। कभी भी पिशाचों से पंगा मत लेना। किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन गॉड दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह है, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। सच तो यह है कि हमें ग्रीन गॉड वैसे भी आना था, डंबलडोर के काम से, हॉगवर्ट्स का काम है, हैग्रिड ने अपना सीना गर्व से फुलाते हुए कहा। वे आमतौर पर अपने महत्वपूर्ण काम हमसे ही करवाते हैं, तुम्हें लाना, ग्रीन गॉड से सामान निकालना। उन्हें मालूम है कि वे हम पर भरोसा कर सकते हैं। सब चीजें ले ली हैरी, तो फिर चलो। हैरी हैग्रिड के पीछे पीछे चट्टान पर आ गया। अब आसमान बिल्कुल साफ था और समुद्र सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मॉर्निंग अंकल जो नाव किराए पर लाए थे वह अभी वहीं थी, हालांकि तूफान के कारण उसके पैंजे में बहुत सा पानी भर गया था। आप यहाँ आए कैसे थे? हैरी ने पूछा, क्योंकि दूसरी नाव कहीं नजर नहीं आ रही थी। उड़कर आए थे, हैग्रिड ने कहा। उड़कर? हाँ, परंतु हम लोग इस नाव में वापस चलेंगे। अब तुम हमें मिल गए हो, इसलिए हमारा जादू करना ठीक नहीं रहेगा। वे नाव में बैठ गए। हैरी अब भी हैग्रिड को घूर रहा था और यह कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि हैग्रिड उड़ते समय कैसा लग रहा होगा। वैसे नाव चलाने में हमें शर्म आ रही है, हैग्रिड ने एक बार फिर हैरी की कनखियों से देखते हुए कहा। क्या हम नाव को थोड़ा थोड़ा सा तेज कर दें?
ताकि हम जल्दी पहुंच जाएं, बशर्ते तुम इसका जिक्र हॉगवर्ट्स में ना करो। बिल्कुल नहीं करूंगा, हैरी ने कहा, जो जादू के कमाल देखने के लिए उत्सुक था। हैग्रिड ने अपनी गुलाबी छतरी बाहर निकाली, उसे नाव के किनारे पर दो बार ठोका और नाव तेजी से किनारे की तरफ चल पड़ी। ग्रीनवॉट को लूटने की कोशिश करना पागलपन क्यों है, हैरी ने पूछा। मंत्र है, टोटके हैं, हैग्रिड ने कहा, और यह बोलते समय उसने अपना अखबार खोल लिया। लोग कहते हैं कि भारी सुरक्षा वाली तिजोरियों की रक्षा के लिए वहां पर ड्रैगन भी है, और फिर वहां रास्ता ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। ग्रीनवॉट लंदन से सैकड़ों मील नीचे है, अंडरग्राउंड से भी नीचे गहराई में। अगर आपके हाथ कोई चीज लग भी गई तो भी आप बाहर निकलने की कोशिश में भूखे मर जाएंगे। जब हैग्रिड अपना अखबार दैनिक जादूगर पढ़ रहा था तो हैरी बैठा बैठा इस बारे में सोचता रहा। हैरी ने वॉर्नर अंकल से सीखा था कि जब लोग अखबार पढ़ते हैं तो उनसे बात नहीं करनी चाहिए, परंतु चुप रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था। जिंदगी में कभी उसके दिमाग में इतने सारे सवाल एक साथ नहीं आए थे। ये जादू का मंत्रालय हमेशा ही गड़बड़ का काम करता रहता है, हैग्रिड पेज पलटते हुए बुदबुदाया। क्या जादू का भी मंत्रालय होता है, हैरी अपने आप को रोक नहीं पाया। हाँ, हैग्रिड ने कहा, सब चाहते थे कि डंबलडोर मंत्री बन जाए, पर वो हॉगवर्ट्स छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए बूढ़े कॉर्नेलियस फज को मंत्री बना दिया गया। दुनिया में उससे बड़ा अनाड़ी नहीं मिलेगा। वह हर रोज डंबलडोर के पास ढेर सारे उल्लुओं की फौज भेज देता है उनसे सलाह मांगने के लिए। परंतु जादू का मंत्रालय करता क्या है? उनका मुख्य काम यह देखना है कि मुगलों को यह पता न चल जाए कि देश में जादूगर और जादूगरनियां हैं। क्यों क्यों? हे भगवान हैरी, हर आदमी चाहेगा कि उसकी समस्या जादू से सुलझ जाए। नहीं, हम इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए इसी पल नाव बंदरगाह की दीवार से धीमी से टकरा गई। हैग्रिड ने अखबार मोड़ा और वे पत्थर की सीढ़ियों से चढ़कर सड़क पर पहुंच गए। जब वे छोटे से कस्बे से होते हुए स्टेशन की तरफ बढ़े तो आसपास से गुजरने वाले लोग उन्हें बुरी तरह से घूर रहे थे। हैरी उन्हें दोष नहीं दे सकता था, न सिर्फ हैग्रिड औरों से दोगुना लंबा था, बल्कि वे पार्किंग मीटर जैसी साधारण चीजों को देख देखकर उनकी तरफ इशारा कर रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, देखो हैरी देखो, इन मुगलों के दिमाग में पता नहीं कहाँ कहाँ से विचार आ जाते हैं। हैग्रिड, हैरी ने आपको ये कहा, क्योंकि हैग्रिड के साथ चलने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। क्या सचमुच ग्रीनवॉट में ड्रैगन है? हमने सुना है, हैग्रिड बोला। सच कहें तो हम भी ड्रैगन पालना चाहते हैं। आप ड्रैगन पालना चाहते हैं? जब हम बच्चे थे तभी से हमारे मन में यह इच्छा है। लो हम आ गए। वे लोग स्टेशन तक पहुंच गए थे। 5 मिनट बाद एक ट्रेन लंदन जाने वाली थी। हैग्रिड को मुगलों के पैसे की समझ नहीं थी, इसलिए उसने हैरी को नोट दे दिए ताकि वो उनके लिए टिकट खरीद ले। ट्रेन में लोग उनकी तरफ और भी ज्यादा घूर रहे थे क्योंकि हैग्रिड 2 सीटों पर बैठा था और पीले गोल तंबू जैसी कोई चीज घूम रहा था। तुम्हारे पास तुम्हारी चिट्ठी है ना हैरी, उसने फंदे गिनते हुए पूछा। हैरी ने लिफाफे को अपनी जेब से निकाला। ठीक है, हैग्रिड ने कहा, इसमें वह सारा सामान लिखा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। हैरी ने कागज के दूसरे टुकड़े को खोलकर देखा, जिसे उसने पिछली रात को नहीं पढ़ा था। इसमें लिखा था, हॉगवर्ट जादूगरी और तंत्रिका विद्यालय, यूनिफॉर्म, फर्स्ट ईयर के बच्चों को इन चीज़ों की जरूरत होगी, 3 जोड़ी काम करने के लिए सादे दुशाले, 1 सादी नुकीली टोपी दिन में पहनने के लिए, 1 जोड़ी सुरक्षा दस्ताने, 1 चोगा जाड़े में पहनने के लिए। कृपया ध्यान रखें कि सभी विद्यार्थियों के कपड़े पर उनके नाम के टैग लगे होने चाहिए। कोर्स की किताबें, सभी विद्यार्थियों को नीचे लिखी किताबों की 1 प्रति लानी होगी। मंत्रों की शुरुआती किताब भाग 1 मिरिंडा गोशा, जादू का इतिहास बजल्डा बैगशॉट, जादू की किताब एल्बर्ट वेल्फिंग, रूप परिवर्तन की शुरुआती किताब एमरिक स्विच, 1000 जड़ी बूटियाँ और फफूंदियाँ फिलिडा स्पोर, जादुई काढ़े आर्सेनियस जिगर, विचित्र जानवर उन्हें कहाँ ढूंढा जाए न्यूट्स कमेंडर, गुप्त कलाओं से रक्षा क्वेंटल ट्रिम्बल, अन्य सामग्री 1 जादुई छड़ी, 1 कढ़ाई जस्ते की स्टैंडर्ड साइज 2, 1 जोड़ी कांच या स्फटिक की शीशियाँ, 1 दूरबीन, 1 जोड़ी पीतल के तराजू। विद्यार्थी चाहें तो उल्लू या बिल्ली या मेंढक भी ला सकते हैं। विद्यार्थियों के माता पिता ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को जादुई झाड़ू लाने की इजाजत नहीं है। क्या यह सब हमें लंदन में कहाँ मिल जाएगा, हैरी ने हैरान होकर जोर से पूछा। हाँ, पर आपको सही जगह मालूम होनी चाहिए, हैग्रिड ने कहा। हैरी पहले कभी लंदन नहीं आया था। हालांकि हैग्रिड को मालूम था कि उसे कहाँ जाना है, परंतु जाहिर था उसे आम तरीके से जाने की आदत नहीं थी। वह प्लेटफॉर्म पर टिकट बैरियर में फंस गया और हल्ला मचाने लगा कि मुगलों की सीटें बहुत छोटी होती है और उनकी ट्रेन भी बहुत धीमी चलती है। हम नहीं जानते कि जादू के बिना मुगलों का काम कैसे चलता है, यह उसने तब कहा जब वे टूटी फूटी ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़े जो उन्हें एक भीड़ भरी सड़क पर ले गई जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी थी। हैग्रिड इतना लंबा चौड़ा था कि उसे देखते ही भीड़ छट जाती थी। हैरी को बस इतना करना था कि वह उसके ठीक पीछे चले। वे किताबों की दुकानों, म्यूजिक स्टोर्स, हैमबर्गर बार, सिनेमाघर के पास से गुजरे, परंतु एक भी दुकान ऐसी नहीं दिख रही थी जिसे देखकर लगे कि वहां जादुई छड़ी मिल सकती थी। यह सामान्य लोगों से भरी एक सामान्य सड़क थी,
क्या सचमुच जादूगरों का ढेर सारा सोना उसके नीचे मीलों गहराई में दबा हुआ था? क्या सचमुच ऐसी दुकानें थी जहां मंत्रों की किताबें और जादुई झाड़ूएं मिलती थी? कहीं डर्सली परिवार ने उसके साथ कोई भयानक मजाक तो नहीं किया? अगर हैरी को यह पता न होता कि डर्सली परिवार को मजाक करना नहीं आता तो वह ऐसा जरूर सोच सकता था। हालांकि हैग्रिड ने जो कुछ बताया था वह सब कुछ कल्पना से परे था, फिर भी हैरी को उसकी बात पर यकीन था। हैग्रिड ने रुकते हुए कहा, यह रही रिश्ती कढ़ाई, यह एक मशहूर जगह है। रिश्ती कढ़ाई एक छोटा सा बार था। अगर हैग्रिड ने उसकी तरफ इशारा नहीं किया होता तो हैरी उसे देख नहीं पाता। आसपास से तेजी से गुजरते हुए लोग उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। उनकी निगाहें तो इस तरफ की किताबों की बड़ी दुकान से उस तरफ की रिकॉर्ड शॉप तक सीधी जा रही थी, जैसे उन्हें रिश्ती कढ़ाई नजर ही नहीं आ रही हो। दरअसल हैरी को यह अजीब एहसास हो रहा था कि यह सिर्फ उसे और हैग्रिड को दिख रही थी। इससे पहले कि वह ये कह पाए, हैग्रिड उसे खींचकर अंदर ले गया। मशहूर जगह के हिसाब से यहाँ कुछ ज्यादा ही अंधेरा और गंदगी थी। कुछ बूढ़ी महिलाएं कोने में बैठकर छोटे गिलास में शेरी पी रही थी। उनमें से एक लंबा पाइप पी रही थी। ऊंची टोपी पहने एक नाटा आदमी बूढ़े मैनेजर से बात कर रहा था, जो काफी गंजा था और किसी पिलपिले अखरोट की तरह दिख रहा था। जब वे अंदर घुसे तो बातचीत की आवाजें थम गई। लगता था वहां सब लोग हैग्रिड को जानते थे। उन लोगों ने उसकी तरफ देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराए। मैनेजर ने गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया और पूछा, हैग्रिड हमेशा वाला ही पियोगे ना? नहीं पी सकते टॉम, हम हॉगवर्ट्स के काम से आए हैं, हैग्रिड ने हैरी के कंधे पर अपना भारी हाथ ठोंकते हुए कहा, जिसके वजह से हैरी के घुटने झुक गए। हे भगवान, मैनेजर ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये ऐसा हो सकता है? रिश्ती कढ़ाई अचानक पूरी तरह शांत और खामोश हो गई। भगवान भला करे, बूढ़े मैनेजर बोला, हैरी पॉटर कितने सम्मान की बात है। वह बार के पीछे से लपक कर बाहर आया, हैरी की तरफ दौड़ा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है मिस्टर पॉटर, स्वागत है। हैरी समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। पाइप पीने वाली बूढ़ी महिला पाइप खींचे जा रही थी और उसे पता ही नहीं चला कि पाइप बुझ चुका था। हैग्रिड का चेहरा चमक रहा था। फिर बहुत सी कुर्सियों के खिसकने की तेज खड़खड़ाहट हुई और अगले ही पल रिश्ती कढ़ाई के सभी लोग उससे हाथ मिला रहे थे। डॉरिस क्रॉकफोर्ड, मिस्टर पॉटर, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। मुझे गर्व है मिस्टर पॉटर, मुझे बहुत गर्व है। हमेशा से आपसे हाथ मिलाना चाहता था। मैं खुशी के मारे पागल हो रहा हूँ मिस्टर पॉटर। मैं बता नहीं सकता मिस्टर पॉटर कि आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई मुझे। मेरा नाम है डिगल, डगलस डिगल। मैंने आपको पहले भी देखा है, हैरी ने कहा, जब डगलस डिगल की टोपी रोमांच के कारण गिर गई। आपने मुझे एक बार दुकान में देखकर सिर झुकाया था। उसे याद है, डगलस डिगल ने चिल्लाते हुए चारों तरफ देखा। सुना तुमने, उसे याद है, हैरी ने बार बार हाथ मिलाए। डॉरिस क्रॉकफोर्ड हाथ मिलाने के लिए बार बार आती रही। एक पीला सा युवक रास्ता बनाते हुए आगे आया। वह बहुत घबराया सा दिख रहा था, उसकी एक आंख फड़क रही थी। प्रोफेसर क्विरिल, हैग्रिड ने कहा। हैरी, प्रोफेसर क्विरिल हॉगवर्ट्स में तुम्हारे टीचर होंगे। पॉटर, प्रोफेसर क्विरिल ने हकलाते हुए कहा और उन्होंने हैरी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बता नहीं सकता मैं आपसे मिलकर कितना खुश हूँ। आप किस तरह का जादू सिखाते हैं प्रोफेसर क्विरिल? गुप्त कलाओं से रक्षा, प्रोफेसर क्विरिल ने फुसफुसाते हुए कहा, जैसे इस बारे में सोचना नहीं चाहते हूँ। वैसे तुम्हें सीखने की क्या जरूरत है ना पॉटर? वे घबराहट में हंसे। मुझे लगता है तुम अपना सामान लेने के लिए आए होगे। मुझे भी खून चूसने वाले भूतों की एक नई किताब खरीदनी है। वे इस विचार से आतंकित दिख रहे थे, परंतु दूसरे लोग ये सहन नहीं कर पा रहे थे कि प्रोफेसर क्विरिल हैरी पर कब्जा किए रहे। उन सबसे पीछा छुड़ाने में लगभग 10 मिनट लग गए। आखिरकार हैग्रिड ने अपनी आवाज़ शोरगुल से ऊंची करने में सफलता पाई। अब चलना चाहिए, बहुत सारा सामान खरीदना है, चलो हैरी। डॉरिस क्रॉकफोर्ड ने हैरी से आखिरी बार हाथ मिलाया और हैग्रिड हैरी को बाहर के अंदर ले गया। अंदर दीवारों से घिरा एक छोटा सा आता था, जहां पर एक कूड़ेदान और कुछ जंगली पौधों के सिवाय कुछ भी नहीं था। हैग्रिड ने हैरी की तरफ देखकर दांत निकाले। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम मशहूर हो। यहां तक कि प्रोफेसर क्विरिल भी तुम हाथ मिलाते समय कांप रहे थे। वैसे ये जान लोग हमेशा कांपते ही रहते हैं, क्या वे हमेशा इतने ही घबराए रहते हैं? हाँ बेचारे, बहुत तेज दिमाग था। जब तक वे किताबों में पढ़ते रहे तब तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, परंतु फिर उन्होंने असली अनुभव लेने के लिए 1 साल की छुट्टी ली। लोग कहते हैं वे काले जंगल में खून चूसने वाले भूतों से मिले और एक चुड़ैल के कारण उन्हें बहुत मुश्किलें आईं। उसके बाद वे पहले जैसे नहीं रहे। वे विद्यार्थियों से डरते हैं, अपने खुद के विषय से डरते हैं। अब हमारी छतरी कहाँ है? खून चूसने वाले भूत, चुड़ैलें? हैरी का दिमाग घूम रहा था। इस बीच हैग्रिड कूड़ेदान के ऊपर वाली दीवार पर ईंटें गिन रहा था। 3 ऊपर 2 बगल में वह बुदबुदा रहा था। ठीक है, पीछे हटो हैरी, उसने अपनी छतरी की नोक से दीवार को 3 बार ठोंका। जिस ईंट को उसने छुआ था वह थरथराई, कांपी और फिर बीच में एक छोटा सा छेद नजर आया जो चौड़ा होता गया। 1 सेकंड बाद उन्हें एक मेहराबदार रास्ता दिखा जो इतना बड़ा था कि हैग्रिड भी उसमें आराम से मा सके। इस मेहराबदार रास्ते की उस पार पैबंद लगी सड़क थी जो घुमावदार थी और आगे जाकर मोड़ पर गुम हो जाती थी। छूमंतर गली में तुम्हारा स्वागत है, हैग्रिड ने कहा। हैरी को आश्चर्य हुआ कि वह दांत दिखा रहा था।
फिर वो लोग मेहराब बदार रास्ते में अंदर गए। हैरी ने जल्दी से सिर घुमाकर देखा कि मेहराब बदार रास्ता तत्काल एक बार फिर से ठोस दीवार में बदल गया। सबसे पास वाली दुकान के बाहर रखी कढ़ाइयों का ढेर सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसके ऊपर लटक रहे साइन बोर्ड पर लिखा था, कढ़ाइयाँ हर साइज की, तांबे पीतल जस्ते चांदी की, अपने आप तलने वाली फोल्ड होने वाली कढ़ाइयाँ। हाँ, तुम्हें इसी की जरूरत पड़ेगी, हैग्रिड ने कहा, पर सबसे पहले तुम्हारे पैसे निकालने होंगे। हैरी सोच रहा था, काश उसकी 8 आंखें होती। वह सड़क पर चलते समय सब कुछ देखना चाहता था, दुकानें, उनके बाहर रखी चीजें, सामान खरीदते लोग। औषधियों की दुकान के बाहर वह एक गोल मटोल औरत के पास से गुजरे जो अपना सिर हिला रही थी और कह रही थी, ड्रैगन लिवर, 17 सीकल और 1 औंस का, ये लोग पागल हो गए हैं। एक अंधेरी दुकान से उल्लू की बोलने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी, जिसके साइन बोर्ड पर लिखा था, आई लॉब्स उल्लू एम्पोरियम, पिंगल, घुग्गू, करेल, भूरे और सफेद उल्लू। हैरी की उम्र के कई बच्चे एक खिड़की पर अपनी नाक गड़ाए खड़े थे, जिसके अंदर जादुई झाड़ू रखी थी। देखो, हैरी ने एक को कहते सुना, नई निम्बस 2000, सबसे तेज। वहां पर ऐसी दुकान थी जहां दुशाले और दूरबीन बिक रही थी, और चांदी के अजीब से यंत्र भी, जिन्हें हैरी ने पहले कभी नहीं देखा था। खिड़कियों में चमगादड़ के स्लिपिन और ईल मछली की आंखों के ढेर लगे थे। मंत्रों की किताबों के गट्ठर, चमड़े के कागज के रोल और कलमें, जादुई काढ़े की बोतल, चंद्रमा के ग्लोब भी थे। ग्रीन गॉड, हैग्रिड ने कहा। वे एक बर्फ जैसी सफेद इमारत के पास पहुंच गए थे जो बाकी सभी दुकानों से बहुत ऊंची थी। उसके कांसे के चमकते दरवाजे के पास लाल और सुनहरी यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा था। हाँ, पिशाच है, हैग्रिड ने धीमे से कहा। वे लोग सफेद पत्थर की सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। पिशाच हैरी से कुछ इंच नाटा होगा। उसका चेहरा सांवला और चालाक सा था, उसकी दाढ़ी नुकीली थी और हैरी ने देखा कि उसकी उंगलियां, उसके पैर बहुत लंबे थे। वे लोग अंदर घुसने लगे तो उसने सिर झुकाकर उसका अभिवादन किया। अब उनके सामने एक और दरवाजा था जो चांदी का था और उस पर शब्द लिखे थे, अंदर आइए अजनबी, परंतु ध्यान रखिए आप, लालच होता है महापाप, क्योंकि वे लोग जो योग्य नहीं होते फिर भी है लेते, वे वक्त आने पर उसकी बहुत बड़ी कीमत है देते। इसलिए अगर आप खोज रहे हो हमारे फर्श के नीचे वह खजाना जो आपका नहीं है, न आगे न पीछे, तो चोर महाशय आपको चेतावनी दे दी गई है, रहना सावधान, आपको खजाना ही नहीं कुछ और भी मिलेगा, इसका रखना ध्यान। जैसा हमने कहा था, इसे लूटने की कोशिश करने वाला पागल ही होगा, हैरी ने कहा। जब वे चांदी के दरवाजे से अंदर जा रहे थे तो पिशाचों की एक जोड़ी ने उन्हें सलाम किया और अब संगमरमर के एक बड़े हॉल में थे। 100 से भी अधिक पिशाच एक लंबे काउंटर के पीछे ऊंचे स्टूलों पर बैठकर मोटे मोटे लेजरों में लिख रहे थे, पीतल की तराजू में सिक्के तोल रहे थे, आंखों पर लेंस लगाकर कीमती रत्नों की जाँच कर रहे थे। हॉल से बाहर जाने वाले दरवाजे इतने सारे थे कि उन्हें गिना नहीं जा सकता था। बहुत से पिशाच वहां पर खड़े थे और दरवाजों से आने जाने वाले लोगों की मदद कर रहे थे। हैग्रिड और हैरी काउंटर की तरफ बढ़े। गुड मॉर्निंग, हैग्रिड ने एक खाली बैठे पिशाच से कहा, हम लोग मिस्टर पॉटर की तिजोरी खोलना चाहते हैं, आपके पास उनकी चाबी है सर? यहीं कहीं पर होगी, हैग्रिड ने कहा और फिर वह अपनी जेब से सामान निकालने लगा। ऐसा करते समय कुत्ते के फफून लगे, कुछ बिस्किट पिशाच के रजिस्टर पर गिर गए। पिशाच ने अपनी नाक सिकोड़ी। हैरी ने देखा कि उनकी दाएं तरफ बैठा पिशाच मणिकों का ढेर तोड़ रहा था जो दहकते हुए अंगारों जितने बड़े थे। मिल गई, हैग्रिड ने कहा, उसके हाथ में एक छोटी सुनहरी चाबी थी। पिशाच ने इसे करीब ले जाकर ध्यान से देखा, यह ठीक दिख रही है, और हम प्रोफेसर डंबलडोर की चिट्ठी भी लाए हैं, हैग्रिड ने अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाते हुए अपना सीना बाहर निकालते हुए कहा, यह उसके बारे में है जिसे आप जानते हैं, तिजोरी नंबर 713। पिशाच ने उस पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ा। बहुत अच्छा, उसने हैग्रिड को पत्र वापस करते हुए कहा, मैं आपके साथ किसी को भेज देता हूँ जो आपको इस कार्य में मदद करेगा। ग्रिपुक एक और पिशाच था। हैग्रिड ने जब कुत्ते के सभी बिस्कुट एक बार फिर अपनी जेब में भर लिए तो इसके बाद वह और हैरी ग्रिपुक के पीछे पीछे हॉल से बाहर जाने वाले एक दरवाजे की तरफ बढ़े। तिजोरी नंबर 713 में क्या चीज़ है जिसे आप जानते हैं, हैरी ने पूछा। तुम्हें नहीं बता सकते, हैग्रिड ने रहस्य भरी आवाज में कहा, एकदम खुफिया है, हॉगवर्ट्स का काम है, डंबलडोर ने हम पर भरोसा किया है, तुम्हें बताने का मतलब है हमारी नौकरी गंवाना। ग्रिपुक ने उनके लिए दरवाजा खोला। हैरी उम्मीद कर रहा था कि यहाँ भी संगमरमर का फर्श होगा, परंतु हैरानी हुई, वे लोग पत्थर के एक सतह गलियारे में थे जिसमें जलती मशालों से रोशनी हो रही थी। गलियारे में नीचे की तरफ सीधी ढलान थी और फर्श पर छोटी पटरियां बिछी थी। ग्रिपुक ने सीटी बजाई और एक छोटी सी गाड़ी पटरियों पर धड़धड़ाती हुई उनकी तरफ आ गई। वे उसमें चढ़े, हैग्रिड थोड़ी दिक्कत से चढ़ पाया और वे चल गई। पहले तो सिर्फ एक घुमावदार गलियारे की भूलभुलैया में ही इधर से उधर घूम रहे थे। हैरी ने रास्ता याद करने की कोशिश की, बाएं दाएं दाएं बाएं, बीच वाला रास्ता दाएं बाएं, परंतु याद रखना बहुत असंभव था। दड़दड़ाती हुई गाड़ी को रास्ता मालूम था क्योंकि ग्रिपुक गाड़ी नहीं चला रहा था, वह अपने आप ही चल रही थी। हैरी की आंखें दुखने लगी क्योंकि उसके मुंह पर ठंडी हवा के थपेड़े सीधे पड़ रहे थे, फिर भी वह आंख फाड़ कर देखता रहा।
एक बार तो उसे लगा जैसे गलियारे के मोड़ पर उसने आग का गोला दिखाई दिया। वह देखने के लिए मुड़ा कि वह क्या ड्रैगन था, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। वे लोग गहराई में उतरते चले गए। जमीन के अंदर बनी एक झील के पास से गुजरते समय उसे स्टेक्टाइट और स्टेलमैग्नाइट की चट्टानें दिखी। गाड़ी की शोरगुल से अधिक तेज आवाज में बोलते समय हैरी ने हैग्रिड से पूछा, मैं नहीं जानता कि स्टेलमाइट और स्टेगलाइट में अंतर क्या होता है। स्टेलमाइट में एम होता है, हैग्रिड ने कहा, और हमसे इस समय कोई सवाल मत पूछो, हमें लगता है हमारी तबीयत खराब हो रही है। हैग्रिड का चेहरा फक पड़ गया था। और जब गाड़ी आखिरकार गलियारे की दीवार में एक छोटे से दरवाजे के पास रुकी तो हैग्रिड नीचे उतरा। उसके घुटने इतने कांप रहे थे कि उसे दीवार का सहारा लेना पड़ा। रिपुक ने दरवाजे का ताला खोला। अंदर काफी सारा धुआं तैरता हुआ बाहर निकला और जब वे साफ हुआ तो हैरी का मुंह खुला रह गया। अंदर सोने के सिक्कों का ढेर था, चांदी का अंबार लगा था और छोटे कांसे के नट तो अनगिनत भरे थे। सब तुम्हारा है हैरी, हैग्रिड ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब हैरी का था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। डस्टी परिवार को इस बारे में पता नहीं था, वरना वॉर्नर अंकल ने चुटकियों में यह सब हथिया लिया होता। वह हैरी को हमेशा ताना देता रहता था कि उसे पालने के लिए कितना खर्च करना पड़ता था, और इस पूरे समय उसके नाम का एक छोटा सा खजाना लंदन के नीचे गहराई में दबा हुआ था। हैग्रिड ने इनमें से कुछ सिक्कों को बैग में भरने में हैरी की मदद की। सोने के सिक्कों को गैलियन कहते हैं, उसने समझाया। एक गैलियन में 17 चांदी के सिक्कल होते हैं और एक सिक्कल में 29 नट होते हैं। ये बहुत आसान है, ठीक है, इतना 2 साल के लिए काफी होगा। हम बाकी पैसे तुम्हारे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। वह रिपुक की तरफ मुड़ा। अब तिजोरी नंबर 713, और मेहरबानी करके क्या हम थोड़ा धीमी चल सकते हैं? गाड़ी एक ही स्पीड से चलती है, रिपुक ने कहा। वे लोग अब और भी गहराई में जा रहे थे और उनकी गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। जब वे सकरे मोड़ पर मुड़कर धड़धड़ाते हुए आगे बढ़े तो हवा बहुत ठंडी हो गई। अब वे एक अंडरग्राउंड दर्रे के ऊपर से तेजी से गुजर रहे थे और हैरी ने गाड़ी के किनारे से जाकर देखने की कोशिश की कि अंधेरी तलहटी में क्या था, परंतु हैग्रिड ने करते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे पीछे खींच लिया। तिजोरी नंबर 713 में चाबी लगाने का कोई छेद नहीं था। पीछे खड़े रहो, रिपुक ने रौब झाड़ते हुए कहा। उसने दरवाजे को अपनी लंबी उंगली से हल्के से ठोंका और दरवाजा पिघल गया। रिपुक ने कहा, अगर ग्रीनवर्ड के पिशाच के अलावा किसी और ने ऐसा करने की कोशिश की होती तो दरवाजा उसे अंदर चूस लेता और वह अंदर फंसा रह जाता। आप कितने दिनों बाद दरवाजा खोल कर देखते हैं कि कोई अंदर है या नहीं? हैरी ने पूछा। लगभग हर 10 साल बाद, रिपुक ने बहुत गंदे तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी को विश्वास था कि इस भारी सुरक्षा वाली तिजोरी के अंदर कोई सचमुच असाधारण चीज होगी, इसलिए वह उत्सुकता से आगे की तरफ झुका। उसे उम्मीद थी कि कम से कम यहाँ पर उसे बेशकीमती हीरे जवाहरात तो देखने को मिलेंगे ही, परंतु पहली नज़र में तो उसे ऐसा लगा जैसे तिजोरी खाली है। फिर उसे फर्श पर भूरे कागज में लिपटा एक गंदा सा छोटा पैकेट दिखाई दिया। हैग्रिड ने उसे उठाया और अपने कोट के अंदर रख लिया। हैरी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि पैकेट में क्या था, परंतु वह यह भी जानता था कि पूछने से कोई फायदा नहीं होगा। चलो एक बार फिर इस बेहुदा गाड़ी में चढ़ जाओ और हम वापस लौटते समय हमसे बात मत करना, बेहतर होगा हम अपना मुंह बंद रखें, हैग्रिड ने कहा। गाड़ी की एक और भीषण यात्रा के बाद वह ग्रीनगॉट से बाहर सूरज की रोशनी में खड़े थे और उनकी आंखें चौंधिया रही थी। हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वे दौड़ लगाकर सबसे पहले कहाँ जाए, क्योंकि अब उसके पास पैसों से भरा बैग था। वह यह तो नहीं जानता था कि एक पाउंड में कितने गैलियन होते हैं, परंतु वह इतना जरूर जानता था कि उसके पास पूरी जिंदगी में जितना पैसा रहा था उससे ज़्यादा पैसा इस समय उसके हाथ में था। डडली के पास जितना पैसा रहता था उससे भी ज़्यादा। अब तुम्हारी यूनिफॉर्म ले लें, हैग्रिड ने कहा और एक दुकान की तरफ देखकर सिर हिलाया जिस पर लिखा था, मैडम मेल्किन के दुशाले, हर मौके के लिए। सुनो हैरी, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि हम रिश्ती कड़ाई में जाकर थोड़ी ताकत बटोर लें? हमें ग्रीनवर्ड की गाड़ियों से नफरत है, वह भी थोड़ा बीमार दिख रहा था, इसलिए हैरी मैडम मेल्किन की दुकान में अकेला ही अंदर गया और वह बहुत घबराया हुआ था। मैडम मेल्किन एक गोल मटोल और मुस्कराती हुई जादूगरनी थी जो ऊपर से नीचे तक बैंगनी कपड़े पहने थी। हॉगवर्ट्स बेटे, हैरी के कुछ बोलने से पहले ही वह बोल पड़ी, यहाँ पर पूरा सामान है, एक और बच्चा अभी दुशाले की नाप दे रहा है। दुकान के पिछले हिस्से में पीले नुकीले चेहरे वाला एक लड़का स्टूल पर खड़ा था जबकि एक जादूगरनी उसके लंबे काले दुशाले में पिन लगा रही थी। मैडम मेल्किन ने उसके पास वाले स्टूल पर हैरी को खड़ा कर दिया, उसके सिर पर एक लंबा दुशाला डाला और सही ऊंचाई पर पिन लगाना शुरू किया। हेलो, लड़के ने कहा। हॉगवर्ट्स? हाँ, हैरी ने कहा। मेरे डैडी बगल वाली दुकान में मेरी किताबें खरीद रहे हैं और मम्मी सड़क पर आगे की तरफ जादुई चिड़ियाँ देख रही हैं, लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ बोरियत भरी थी और वह धीरे धीरे बोल रहा था। फिर मैं उन लोगों को खींच कर ले जाऊँगा क्योंकि मुझे उड़ने वाली झाड़ू देखनी है। मुझे नहीं मालूम कि फर्स्ट ईयर में हमें झाड़ू लगने की इजाज़त क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि मैं डैडी को धमका कर मना लूँगा कि वो मुझे एक झाड़ू दिला दे और फिर मैं उसे किसी तरह चोरी से अंदर ले जाऊँगा। यह सुनकर हैरी को डडली की याद आ गई। क्या तुम्हारे पास झाड़ू है? लड़के ने आगे कहा। नहीं, हैरी ने जवाब दिया। क्विडिच खेलते हो? नहीं, हैरी ने एक बार फिर कहा और वह हैरान हो रहा था कि यह क्विडिच क्या भला होती है। मैं तो खेलता हूँ,
डैडी कहते हैं कि अगर मुझे मेरे हाउस की टीम में नहीं चुना गया तो यह अन्याय होगा और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किस हाउस में जाओगे? नहीं, हैरी ने कहा और वह हर मिनट अपने आप को अधिक मूर्ख महसूस कर रहा था। वैसे तो वहाँ पहुँचने से पहले कोई भी नहीं बता सकता कि वह कौन से हाउस में जाएगा, परंतु मैं जानता हूँ कि मैं नाग शक्ति में रहूँगा। हमारा पूरा परिवार उसी से है। जरा मेहनत कश के बारे में तो सोचो। मुझे लगता है कि मैं स्कूल ही छोड़ दूंगा अगर मैं उस रूप में गया तो। और तुम? हैरी ने कहा और मैं चाहता था कि कोई अधिक रोचक बात कह सके। मैं कहता हूँ जरा उस आदमी को देखो, लड़के ने अचानक सामने वाली खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। वहाँ पर हैरी खड़ा था और हैरी की तरफ देखकर दांत दिखा रहा था। उसने दो बड़ी आइसक्रीमों की तरफ इशारा किया। हैरी समझ सके कि वह अंदर क्यों नहीं आ सकता था। वह हैग्रिड है, हैरी ने कहा। उसे खुशी थी कि उसे कुछ तो पता था जो उस लड़के की मालूम नहीं थी। वह हॉगवर्ट्स में काम करता है। अच्छा, लड़के ने कहा। मैंने उसके बारे में सुना है, वह एक तरह से नौकर है ना? वह चाबियों का रखवाला है, हैरी ने कहा। गुजरने वाला हर पल के साथ हैरी उस लड़के को कम पसंद कर रहा था। हाँ, वही तो। मैंने सुना है कि वह थोड़ा जंगली किस्म का है। स्कूल के मैदानों में उस झोंपड़ी में रहता है और हर कुछ दिनों में शराब पी लेता है, जादू करने की कोशिश करता है, अंत में अपनी ही झोंपड़ी में आग लगा लेता है। मुझे लगता है कि वह बहुत होशियार है, हैरी ने ठंडेपन से कहा। क्या सचमुच? लड़के ने हल्के व्यंग से कहा। वह तुम्हारे साथ क्यों है? तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ हैं? वे मर चुके हैं, हैरी ने छोटा सा जवाब दिया। वह इस लड़के के साथ इस बारे में ज़्यादा बात करने के मूड में नहीं था। ओह सॉरी, लड़के ने कहा, परंतु उसकी आवाज़ में नहीं लग रहा था जैसे उसे जरा भी अफसोस हुआ हो। पर वे हमारी तरह ही तो थे ना। तुम्हारा क्या मतलब है? वे जादू जादू तो नहीं तो थे? मैं सोचता हूँ कि उन्हें दूसरी तरह के लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? वे लोग हमारी तरह नहीं होते। उन लोगों को इस तरह से नहीं पाला जाता कि उन्हें हमारी तौर तरीकों की जानकारी हो। जरा सोचो तो सही, उनमें से कुछ तो हॉगवर्ट्स का नाम पहली बार सुनते हैं जब उन्हें चिट्ठी मिलती है। मुझे लगता है कि उन्हें जादू को पुराने जादूगरों परिवारों तक ही सीमित रख देना चाहिए। वैसे तुम्हारा सरनेम क्या है? परंतु इससे पहले कि हैरी जवाब दे पाया, मैडम मेल्किन बोल पड़ी। अब आपका काम हो गया बेटे। हैरी उस बच्चे से बात करना बंद कर देना चाहता था और किसी बहाने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वह तत्काल स्टूल से कूद गया। अच्छा, मुझे लगता है हम हॉगवर्ट्स में मिलेंगे, धीरे बोलने वाले लड़के ने कहा। जब हैरी ने आइसक्रीम खाई जो हैग्रिड उसके लिए खरीद कर लाया था, तो वह थोड़ा चुप था। क्या हुआ? हैग्रिड ने पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने झूठ बोल दिया। वे लोग चमड़े के कागज और कलम खरीदने के लिए रुक गए। हैरी तब थोड़ा खुश हुआ जब उसे ऐसी स्याही की बोतल मिली जो लिखते समय रंग बदल देती है। वह लोग दुकान से बाहर निकले तो उसने पूछा, हैग्रिड क्विडिच क्या होता है? हे भगवान हैरी, हम भूल जाते हैं कि तुम कितना कम जानते हो। तुम्हें क्विडिच के बारे में भी हमें बताना पड़ेगा। मुझे ज़्यादा नीचा मत दिखाओ, हैरी ने कहा। उसने हैग्रिड को मैडम मेल्किन की दुकान पर मिले पीले लड़के के बारे में बताया और वह कह रहा था कि मगलू परिवारों से आए लोगों को जादू सीखने नहीं देना चाहिए। तुम मगलू परिवार से नहीं आए हो? अगर उसे पता होता कि तुम कौन हो, अगर उसके माता पिता जादूगर हैं, तो वह तुम्हारा नाम सुनते सुनते ही बड़ा हुआ होगा। तुमने रिश्ती कड़ाई में देख भी लिया था। बहरहाल वह इस बारे में जानता ही क्या है। हमने जितने भी अच्छे जादूगर देखे हैं, उनमें से कुछ तो ऐसे परिवारों से आए थे जिनकी कई पीढ़ियां मगलू थी। तुम अपनी माँ को ही देख लो, उनकी बहन कैसी है। तो क्विडिच क्या है? यह हमारा खेल है, जादूगरों का खेल। यह मगलू दुनिया की फुटबॉल की तरह है। क्विडिच में हर जादूगर की रुचि होती है। इसे हवा में जादू झाड़ू के साथ खेला जाता है और इसमें चार गेंद होती है। इसके नियमों को समझना बहुत मुश्किल है। और नाक शक्ति तथा मेहनत कश क्या है? स्कूल के हाउस कुल चार हाउस या दल हैं। सभी कहते हैं कि मेहनत कश में कम बुद्धि वाले बच्चे रहते हैं, परंतु मैं शर्त लगा सकता हूँ मेहनत कश में ही जाने वाला हूँ, हैरी ने उदास होकर कहा। हैग्रिड ने कड़वाहट से कहा, नाक शक्ति में रहने से तो अच्छा ही है मेहनत कश में रहना। बुराई के रास्ते पर जाने वाले सारे जादूगर नाक शक्ति से ही आए हैं। तुम जानते हो कौन भी नाक शक्ति से मिली था? तुम जानते हो कौन हॉगवर्ट्स में था? बहुत साल पहले, हैग्रिड ने कहा। उन्होंने हैरी की स्कूल की किताबें जिस दुकान से खरीदी, उसका नाम था फ्लरिश एंड बॉट्स। यहाँ किताबें शेल्फ पर छत तक लगी थी। कुछ किताबें तो इतनी बड़ी थी जैसे चट्टान के चमड़े में बाइंड किया गया हो। कुछ किताबें डाक टिकट के बराबर थी और उन पर रेशम का कवर था। कुछ किताबों में अजीब सा निशान बने हुए थे और कुछ किताबें ऐसी थी जिनमें कुछ नहीं था। डडली भी, जो कभी कुछ नहीं पढ़ता था, इन किताबों को देखकर कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आतुर हो ही जाता। हैग्रिड हैरी को लगभग खींचकर एक किताब से दूर ले गया जिसका शीर्षक था श्राप और उनसे मुकाबला करने वाले श्राप। लेखक प्रोफेसर विंडिक्स वेरिडियन। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि डडली को कौन सा श्राप दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि यह बुरा विचार है, परंतु तुम मगलू दुनिया में जादू का प्रयोग नहीं कर सकते कुछ खास स्थितियों के, हैग्रिड ने कहा। और वैसे भी तुम अभी इनमें से कोई सा भी श्राप नहीं दे सकते। पढ़ाई करने के बाद तुम ऐसा कर पाओगे। हैग्रिड ने हैरी को ठोस सोने की कढ़ाई भी नहीं खरीदने दी, परंतु उन्होंने कढ़ाई में डालने वाला सामान तोलने के लिए एक अच्छा सा तराजू खरीदा और कांसे की एक फोल्डिंग दूरबीन भी। फिर वो औषधियों की दुकान में गए जो सड़े अंडे और सड़ी पत्ता गोभी के भयानक बदबू के बावजूद आकर्षित करती थी।
फर्श पर लिसलिसे पदार्थ के ढेर लगे थे। जड़ी बूटियां सूखी हुई जड़े और चमकदार पाउडरों के मर्तबान दीवार पर लाइन में जमे थे। पंखों के बंडल थे, जहरीले दांतों की झालरें थी और छत से टंगे उलझे हुए पंजे थे। जब हैग्रिड ने काउंटर पर बैठे आदमी से हैरी के लिए काढ़े की शुरुआती सामान देने को कहा तो हैरी ने खुद यूनिकॉर्न की चांदी जैसे सफ़ेद सींग की जांच की जिसकी कीमत 21 गैलियन थी। उसने बीटल की चमकती काली आंखें भी देखी जो 5 नट में एक बड़ी चम्मच के हिसाब से मिल रही थी। औषधियों की दुकान के बाद हैग्रिड ने हैरी की लिस्ट की एक बार फिर से जाँच की। अब सिर्फ तुम्हारी छड़ी बची है और हाँ, हमने अभी तक तुम्हें जन्मदिन का तोहफा भी नहीं दिया है। हैरी का चेहरा अचानक लाल हो गया। आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमें देने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हें जानवर देना चाहते हैं। मेंढक नहीं, बहुत साल पहले ही फैशन से बाहर हो चुके हैं। लोग तुम पर हंसेंगे और बिल्लियां हमें पसंद नहीं हैं। क्यों ना हम तुम्हें एक उल्लू खरीद कर दें। सभी बच्चे उल्लू चाहते हैं क्योंकि वे बहुत उपयोगी होते हैं। वे आपकी डाक भी ले जाते हैं और बहुत से काम करते हैं। 20 मिनट बाद वे लोग आइलॉप्स उल्लू एम्पोरियम से बाहर निकले जिसके अंदर अंधेरा था। रत्नों की तरह चमकती आँखें थीं और पंख फड़फड़ाने या हिलाने की आवाज़ आ रही थी। हैरी के हाथ में एक बड़ा पिंजरा था, उसमें एक सुंदर सफ़ेद उल्लू थी जो अपने पंख के नीचे अपना सिर छुपाकर गहरी नींद में सो रही थी। हैरी हकलाते हुए धन्यवाद देने से खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आवाज़ प्रोफेसर क्विरेल जैसी लग रही थी। धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैग्रिड ने रूखेपन से कहा। यह उम्मीद मत करो कि तुम्हें डर्सली परिवार से बहुत सारे तोहफे मिलेंगे। अब सिर्फ ओलिवेंडर्स का काम बचा है। ओलिवेंडर्स छड़ियों की इकलौती दुकान है और तुम्हें बेहतरीन छड़ी की ज़रूरत है। जादुई छड़ी, सच तो यह था कि हैरी इसके लिए बहुत उत्सुक था। आखिर दुकान सकरी और गंदी थी। दरवाजे पर उखड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओलिवेंडर्स बेहतरीन छड़ियों के निर्माता 382 ईसा पूर्व से। धूल भरी खिड़की में रंग उड़ी जामुनी गद्दी पर एक छड़ी रखी थी। जब वे अंदर घुसे तो दुकान के भीतर कहीं एक घंटी बजी। यह एक छोटी सी जगह थी जिसमें सिर्फ एक टूटी टांग वाली कुर्सी के सिवाय और कुछ भी नहीं था, जिस पर बैठकर हैग्रिड इंतजार करने लगा। हैरी को बहुत अजीब लग रहा था, जैसे वह किसी सख्त नियम वाली लाइब्रेरी में आ गया हो। उसे बहुत से नए सवाल निकले जो उसके मन में अभी अभी आए थे और इसके बजाय उसने उन हजारों सक्रिय बॉक्सों को देखा जो करीने से छत तक जमे हुए थे। न जाने क्यों उसे लगा उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में कुछ चुभ रहा था। यहाँ की धूल और खामोशी में जैसे रहस्यमय जादू हो रहा था। गुड आफ्टरनून, एक धीमी आवाज आई। हैरी उछल पड़ा, हैग्रिड भी उछल पड़ा क्योंकि एक तेज चरमराहट हुई और वह टूटी कुर्सी से हड़बड़ाकर उठा। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी चौड़ी पीली आंखें दुकान के अंधेरे में चंद्रमा की तरह चमक रही थी। हेलो, हैरी ने अजीब तरीके से कहा। अरे हाँ, आदमी ने कहा, हाँ हाँ, मुझे यकीन था आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी मिस्टर पॉटर। यह कोई सवाल नहीं था, आपकी आंखें बिल्कुल आपकी मम्मी जैसी हैं। अभी कल की ही बात लगती है जब उन्होंने यहाँ से अपनी पहली छड़ी खरीदी थी। 10.25 इंच लंबी सरसराती विलो लकड़ी से बनी, सम्मोहन के लिए बहुत अच्छी लकड़ी थी। मिस्टर ओलिवेंडर हैरी के करीब आ गए। हैरी चाह रहा था कि वे पलके झपकाएं। उनकी चांदी जैसी आंखें थोड़ी डरावनी थी। दूसरी तरफ तुम्हारे डैडी को महोगनी लकड़ी की छड़ी पसंद आई थी, 11 इंच लचीली, थोड़ा ज़्यादा ताकतवर और रूप परिवर्तन के लिए आदर्श। पर मैंने क्या कहा, तुम्हारे पिता को यह छड़ी पसंद आई। सच तो यह है कि हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मिस्टर ओलिवेंडर इतने करीब आ चुके थे कि उनकी नाक हैरी की नाक से लगभग टकरा रही थी। हैरी को उनकी कोहरेदार आंखों में अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। और यहाँ पर मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी लंबी सफ़ेद उंगली से हैरी के माथे के बिजली और जैसे निशान को छुआ। मुझे कहते हुए अफसोस है कि मैंने यह छड़ी भी बेची थी जिसने आपको यह निशान दिया, उन्होंने धीमे से कहा। 13.5 इंच लंबी सदाबहार लकड़ी की, उसकी छड़ी में ताकत थी, बहुत ज़्यादा ताकत, और गलत हाथों में। अगर मुझे मालूम होता कि वह छड़ी दुनिया में इतनी गड़बड़ करेगी। उन्होंने सिर हिलाया और तभी उन्हें हैग्रिड दिख गया। हैरी ने राहत की सांस ली। रूबियस हैग्रिड, आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। बलूत की लकड़ी 16 इंच, थोड़ी झुकी हुई है ना। हाँ सर, हाँ, हैग्रिड ने कहा। अच्छी छड़ी थी, परंतु मुझे लगता है जब आपको स्कूल से निकाला गया होगा तो उन्होंने वह छड़ी तोड़ दी होगी, मिस्टर ओलिवेंडर ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। जी हाँ, उन्होंने उसे तोड़ डाला, हाँ, हैग्रिड ने कहा और अपने पैर आगे पीछे खिसकाए। पर हमारे पास अभी भी उसके टुकड़े पड़े हैं, उसने थोड़ा उत्साह से आगे जोड़ा। परंतु आप उनका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, ओलिवेंडर ने तीखी आवाज में कहा। अरे नहीं सर, हैग्रिड ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। हैरी ने देखा कि ये बोलते समय उसने अपनी गुलाबी छतरी कसकर पकड़ ली थी। फिर ठीक है, मिस्टर ओलिवेंडर ने हैग्रिड को पहनी निगाह से घूरते हुए कहा। चलिए मिस्टर पॉटर, अब मुझे देखने दें। उन्होंने अपनी जेब से एक लंबा टेप निकाला जिस पर चांदी जैसे निशान बने थे। आपकी छड़ी वाली बांह कौन सी है? मैं दाएं हाथ का हूँ, हैरी ने कहा। अपनी बांह सामने की तरफ करें, ऐसे। उन्होंने हैरी का नाप लिया, कंधे से उंगली तक, फिर कलाई से कोहनी तक, कंधे से फर्श तक, घुटने से कांख तक और सिर के चारों तरफ। नाप लेते हुए वे बोले, ओलिवेंडर की हर छड़ी में एक शक्तिशाली जादुई पदार्थ होता है मिस्टर पॉटर। हम यूनिकॉर्न के बाल, माया पंछी की पूंछ के पंखों और ड्रैगन के दिल के रेशों का इस्तेमाल करते हैं। ओलिवेंडर की दो छड़ियाँ एक जैसी कभी नहीं होती।
ठीक उसी तरह जिस तरह दो यूनिकॉर्न, ड्रैगन या माया पंछी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। जाहिर है इसी कारण दूसरे जादूगर की छड़ी से आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। हैरी ने अचानक महसूस किया कि टेप उसके नथुनों का नाप ले रहा था। वह अपने आप ऐसा कर रहा था। मिस्टर ओलिवेंडर शेल्फ के बीच घूम रहे थे और छड़ियों के बक्से निकाल कर नीचे रख रहे थे। बस काफ़ी है, उन्होंने कहा और टेप फर्श पर बूढ़ी मूढ़ी होकर गिर गया। तो मिस्टर पॉटर, इसे आजमा कर देखें। बीचवुड और ड्रैगन के दिल का रेशा, 9 इंच, सुंदर और लचीली, बस इसे हाथ में पकड़े और हवा में घुमाएं। हैरी ने छड़ी ली और उसने इसे जरा सा ही हिलाया था, तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने तत्काल उसके हाथ से छड़ी छीन ली। मैपिल की लकड़ी और माया पंछी का पंख, 7 इंच लंबी, बहुत लचीली, इसे घुमा कर देखें। हैरी ने कोशिश की, परंतु उसने छड़ी उठाई ही थी कि तभी मिस्टर ओलिवेंडर ने उसके हाथ से वह छड़ी भी छीन ली। नहीं नहीं, अब इसे देखिए, तेंदू की लकड़ी और यूनिकॉर्न का बाल, 8.5 इंच लंबी, लचकदार। चलिए चलिए, घुमाइए इसे। हैरी ने छड़ी घुमाई और वह एक के बाद एक छड़ियाँ घुमाता रहा। उसे जरा भी नहीं पता था कि मिस्टर ओलिवेंडर किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। टूटी टांग वाली कुर्सी पर उन छड़ियों का ढेर लग चुका था जिन्हें मैं घुमाकर देख चुका था, परंतु मिस्टर ओलिवेंडर शेल्फ से जितनी ज़्यादा छड़ियाँ निकाल रहे थे वे उतने ही ज़्यादा खुश होते जा रहे थे। मुश्किल ग्राहक, कैसा क्या? कोई बात नहीं, हमें यहीं कहीं आदर्श तालमेल मिल ही जाएगा। मुझे लगता है शायद ये, हाँ क्यों नहीं, असामान्य तालमेल, शूल पड़ने की लकड़ी और माया पंछी का पंख, 11 इंच, सुंदर और लचीली। हैरी ने छड़ी हाथ में ली, उसे पकड़ते ही हैरी को लगा जैसे उसकी उंगलियां गर्म हो गई थी। उसने छड़ी को अपने सिर के ऊपर से उठाया और धूल भरी हवा में नीचे की तरफ झटके से लाया। छड़ी के सिर से किसी आतिशबाजी की तरह लाल और सुनहरी चिंगारी निकली और दीवारों पर रोशनी नाचती दिखाई दी। शाबाश, हाँ सचमुच बहुत बढ़िया, पर अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। उन्होंने हैरी की छड़ी बक्से में रखकर और भूरे कागज में लपेट दी। वे बुदबुदा रहे थे, अजीब बात है, बहुत अजीब है। माफ कीजिए, हैरी ने कहा, पर क्या अजीब है? मिस्टर ओलिवेंडर ने अपनी पीली निगाह से हैरी को घूरा। मुझे वो हर छड़ी याद है जो मैंने बेची है मिस्टर पॉटर, हर छड़ी। बात यह है कि उस माया पंछी ने जिसकी पूंछ का पंख आपकी छड़ी में है एक और पंख दिया था, सिर्फ एक और। अजीब बात यह है कि जो ये छड़ी आपको जची है, जबकि इस छड़ी के जोड़ीदार ने, हाँ इसी छड़ी के जोड़ीदार ने आपको यह निशान दिया था। हैरी ने थूक निकला, हाँ 13.5 इंच सदाबहार लकड़ी। अजीब बात है कि दुनिया में कैसे विचित्र संयोग होते हैं। ध्यान रहे, हर छड़ी अपना मालिक खुद चुनती है। मुझे लगता है कि आगे चलकर आप बहुत महान काम करेंगे मिस्टर पॉटर, क्योंकि उसने भी जिसका हम नाम नहीं ले सकते बहुत बड़े काम किए हैं, परंतु भयानक, हाँ पर बड़े। हैरी कांप गया। वह यकीन से कह सकता था कि उसे मिस्टर ओलिवेंडर कोई खास पसंद नहीं आए थे। उसने सोने के साथ गैलियन देकर छड़ी की कीमत चुकाई और दुकान से बाहर निकलते समय मिस्टर ओलिवेंडर ने झुककर उनका अभिवादन किया। जब हैरी और हैग्रिड चुमंतर गली से वापस लौट रहे थे तो शाम का सूरज ढल चुका था। वे लोग दीवार और खाली हो चुकी रिश्ती कढ़ाई से होते हुए बाहर आए। जब वे सड़क पर चल रहे थे तो हैरी कुछ नहीं बोला। उसने यह भी नहीं देखा कि अंडरग्राउंड में बहुत से लोग आश्चर्य से उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि उनके पास अजीब से सामान थे। ऑटोमेटिक सीढ़ी पर चढ़कर वे लोग पैडलिंगटन स्टेशन पहुंच गए। जब हैग्रिड ने उसके कंधे को तपतपाया, तब जाकर हैरी को यह एहसास हुआ कि वे कहाँ थे। तुम्हारी ट्रेन छूटने से पहले इतना समय है कि थोड़ा कुछ खा लिया जाए, उसने कहा। वह हैरी के लिए एक हैमबर्गर खरीद लाया और वे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर खाने लगे। हैरी ने चारों तरफ देखा, न जाने क्यों सब कुछ अजीब लग रहा था। तुम ठीक तो हो ना हैरी? तुम बहुत चुप हो, हैग्रिड ने कहा। हैरी को विश्वास नहीं था कि वह शब्दों में समझा सकता था। उसने अपने जीवन का सबसे अच्छा बर्थडे मनाया था और उसके बाद भी वह अपना हैमबर्गर कुतर रहा था और शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने अंत में कहा, सभी ये समझते हैं कि मैं खास हूँ, रिश्ती कढ़ाई में बैठे सभी लोग, प्रोफेसर करेल, मिस्टर ओलिवेंडर, परंतु मैं जादू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वह मुझसे महान काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं मशहूर हूँ, जबकि मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैं किस लिए मशहूर हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था, माफ़ कीजिए, मेरा मतलब है उस रात को क्या हुआ था जब मेरे मम्मी डैडी की मौत हुई थी। हैग्रिड टेबल पर आगे झुका, जंगली दाढ़ी और भौहों के पीछे झुके उसके चेहरे पर बहुत ही दयालु भरी मुस्कान थी। चिंता मत करो हैरी, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे। हॉगवर्ट्स में हर कोई शुरू से ही शुरुआत करता है। तुम बिल्कुल ठीक ठाक रहोगे, बस जैसे हो वैसे ही बने रहो। हम जानते हैं ये आसान नहीं है, किस्मत ने तुम्हें बाकी लोगों से अलग कर दिया है और यह हमेशा मुश्किल होता है, पर हॉगवर्ट्स में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हमें तो आया था और सच कहें तो आज भी आता है। हैग्रिड ने हैरी को ट्रेन में बैठाने में मदद की, जो उसे वापस डर्सली परिवार के पास ले जा रही थी, और फिर हैग्रिड ने उसे एक लिफाफा दिया। हॉगवर्ट्स का तुम्हारा टिकट, उसने कहा, 1 सितंबर, किंग्स क्रॉस स्टेशन, तुम्हारे टिकट पर सब लिखा है। डर्सली परिवार से किसी भी तरह की परेशानी हो तो अपनी उल्लू के साथ हमें चिट्ठी भेज देना, वो हमें ढूंढ लेगी। जल्दी ही मिलेंगे हैरी, ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। हैरी हैग्रिड को तब तक देखना चाहता था जब तक वो नज़रों से ओझल न हो जाए। वह अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की पर अपनी नाक गड़ाकर बाहर देखने लगा, परंतु जैसे ही उसने पलके झपकाई हैग्रिड गायब हो चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही।
अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। और हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो मिलते हैं कैसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।